फॉलोवर फैमिली तक ये सरप्राइज पहुंच पाए और वो भी मजा उठा पाए इस प्यार से लाइफ का और हमारे सरप्राइज का। तो फैमिली, जैसे आप लोगों को पता है कि मेरे पापा की अभी चोट लग गई थी तो मैं उनकी जगह पे वीडियोस बना रही थी। हमारी फैमिली ने इतना लव और सपोर्ट दिखाया और आशीर्वाद भी दिया, बहुत ही प्यार दिखाया। पर कुछ हेटर्स भी थे जिन्होंने हमें हेट करा और नफरत दिखाई, पर हमारी फैमिली के लव और सपोर्ट और आशीर्वाद के सामने उनका हेट तो कुछ भी नहीं था, दिखेगा भी नहीं, इतना सा भी नहीं। हमारी फैमिली ने इतना लव और सपोर्ट दिखाया था फैमिली कि क्या ये बात करें फैमिली, मजा आ जाए इतना लव और सपोर्ट, मैं इसलिए कह रही हूँ। तो फैमिली, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सरप्राइज क्या है। फैमिली, सरप्राइज ये है कि मेरे पापा की तबीयत पहले से बेहतर हो चुकी है हमारी फैमिली के आशीर्वाद से। अब वो थोड़े सही होंगे, तबीयत सही है तो वो ऑफिस में आ पाए हैं और आप लोगों के सामने भी आएंगे। तो फैमिली, चलो मैं आपको अपने पापा से मिलवाती हूँ। तो फैमिली बोलो बोल शंकर भगवान की जय। फैमिली आ गई, पापा देखो। फैमिली नीम नमस्कार, आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया। आप सब ने इतना आशीर्वाद दिया मुझे, मेरी बेटी को इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट करा मेरी बेटी को, मतलब मैं कभी ज़िंदगी में सोच नहीं सकता था, मतलब मैं कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि आप लोग मेरी बेटी को, मुझे तो इतना प्यार देते ही थे, मेरी बेटी को भी इतना प्यार दोगे। फैमिली, मेरे साथ तो जो हुआ मैं आपको अभी बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ, मुझे कैसे ये सब चोट लगी, मैं कैसे 2 महीने तक आपके सामने नहीं आ पाया। आज मेरे को करीबन 2 महीने 6 दिन हो गए कोई वीडियो बनाए, मैं बोल नहीं पा रहा था बिल्कुल भी। मेरे साथ बहुत गलत हुआ, काफ़ी कुछ मेरे साथ गलत किया कुछ लोगों ने, पर बस मैं आप लोगों को फैमिली सच कह रहा हूँ, दिल से मैं आपका ना दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी फूल जैसी बेटी को, अरे बेटे जब मेरी फूल जैसी बेटी को इतना प्यार दिया। और मेरी बेटी ने जो मेहनत करी, जो मतलब मैं सोच नहीं सकता हूँ, मेरे को सच में महसूस होता है और मैं बहुत किस्मत वाला हूँ सच में। कहते हैं कि लोग बेटियों के लिए कई बार बहुत कुछ ऐसा भी बोल जाते हैं कि बेटियां होती हैं तो ऐसा होता है, वैसा नहीं। आज मेरे को शुरू से प्राउड है और आज और प्राउड होने लग गया, गर्व हो गया कि मैं एक प्यारी सी बेटी अपनी का मैं एक बाप हूँ। और मतलब सच में फैमिली, सच में जो आपने प्यार दिया ना, जो आपने सपोर्ट दिया, सच में फैमिली कोई किसी को इतना प्यार नहीं देता। आपको मेरी बेटी ने बोला वीडियोज़ को शेयर करो, आपने वीडियोज़ को शेयर किया, मेरी बेटी को लोगों ने, कुछ लोगों ने गलत भी बोला, पर आपने मतलब किसी की नहीं सुनी, आपने बहुत प्यार दिया। फैमिली सच कह रहा हूँ, दिल बहुत खुश होता है, मतलब मेरे को तो लग रहा था कि मैं अब दोबारा वापसी नहीं कर पाऊँगा और मैं दोबारा आप सब लोगों के सामने नहीं आ पाऊँगा, मगर मेरी बेटी ने मतलब मेरा इतना, मेरे साथ मेरी फैमिली और भी थी, उन सब ने और मेरी बेटी ने, हम सब मेरा इतना ख्याल रखा और मेरे लिए मतलब मैं कह नहीं सकता हूँ फैमिली, मेरे पास ना वर्ड्स नहीं है। और आज मेरे सामने जो चेहरे पे आप ये स्माइल देख रहे हो ना, मेरे चेहरे पे मैं अभी खुल के स्माइल नहीं कर सकता हूँ अभी, पर यह है कि जो चीज़ आप मेरे चेहरे पे अभी देख रहे हो, ये मुस्कान जो है ना, ये मेरी बेटी, मेरी फैमिली और मेरे ऑफिस में मेरे जो साथी हैं उन सब की वजह से मैं दोबारा लौट पाई है मेरे चेहरे पर। फैमिली, मेरी आईडी आप जानते हो, चौहान प्रॉपर्टी वाला के नाम से मेरा दिल्ली में उत्तम नगर में मेरा प्रॉपर्टी का काम है, मैं फ्लैट्स वगैरह सेल करता हूँ। और फैमिली, इसी बीच में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, कुछ लोगों ने मेरे साथ गलत किया, मेरी प्रॉपर्टी किसी के साथ साझेदारी में थी, उस प्रॉपर्टी पे कब्जा किया गया मेरे साथ। और जब मैंने उस कब्जे के लिए आवाज़ उठाई कि भाई तुम ऐसे कैसे कब्जा कर सकते हो, तो उस बीच में मेरे साथ कम से कम 20-25 लोगों ने मिलकर मुझे मारा, मेरे मतलब मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मेरा पूरा ये, मैं आप लोगों के साथ फ़ोटोज़ भी शेयर करूँगा, समय आने पर मैं सारी चीज़ें अच्छे से आपको बताऊँगा। ये मेरा जो जबड़ा है ये पूरा तोड़ दिया फैमिली, ये अलग हो चुका है अंदर से, यहाँ पे प्लेट डली हुई है, इस टाइम लोहे की प्लेट है जो अंदर डली है। 2 दिन पहले फैमिली मेरी जो है वो यहाँ पे तारे बंधी हुई थी वो खुल गई हैं, अब मैं थोड़ा बोल पा रहा हूँ आपसे और मेरे को ऐसा लग रहा है मैं काफ़ी अच्छा बोल पा रहा हूँ अब, नहीं तो पिछले 2 महीने से मैं बोल ही नहीं पा रहा था,
दो महीने से आप यकीन माने कि कुछ खाया नहीं है मैंने अभी तक। दो महीने से आप सिर्फ लिक्विड पर मैं रह रहा हूँ, पर अब दो दिन से जब से मेरा ये मुंह खुल गया है अब तो मैं अब बोल पा रहा हूँ, और अब मैं बस अब पाइप के अलावा वैसे चम्मच से भी दलिया वगैरह या खिचड़ी वगैरह मैं खा पा रहा हूँ। मतलब फैमिली, इतना कोई किसी के साथ बुरा कर सकता है, इतनी कोई नफ़रत दिखा सकता है, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि आप किसी के लिए इतनी नफ़रत दिखाओगे, इतनी नफ़रत आपके अंदर भरी है। मैंने क्या बिगाड़ा था आप लोगों का, आप लोगों ने मेरे साथ जो आप लोगों ने किया, फैमिली जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान आपको जवाब ज़रूर देगा इस चीज़ का समय आने पर। आज आपने मेरे साथ ऐसा किया, कल को आपके साथ भी कोई ऐसा करेगा, पर जो किया गया मेरे साथ, खैर मैं इस बातों को नहीं ज़्यादा खींचूँगा, वो भगवान है, कानून है फैसला करने के लिए, ठीक है। पर फैमिली मेरे साथ बहुत बुरा हुआ और मैं बोलने लायक नहीं बचा। मेरे आज दो महीने से मैं नहीं, अब खाने के लिए डॉक्टर ने अभी 8-9 महीने तक मना किया कि आप कुछ नहीं खा सकते हो अभी। मतलब मेरे सामने खाना पड़ा होता है मगर मैं खाना नहीं खाता हूँ। रोटी होती है, मेरे बेटी रोटी खाती है, वो बेचारी देखती है, कई बार वो रोटी नहीं खाती कि पापा आप नहीं खा रहे तो हम भी नहीं खाएंगे। मेरी फैमिली, मेरी वाइफ नहीं खाती है खाना, वो लोग भी जैसे मैं आज, हम लोग कितनी, मतलब सब कुछ होते सोते भी, मतलब ऐसा मैं फील कर रहा हूँ, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, सिर्फ इसलिए कि बस मैंने कुछ लोगों के साथ अच्छा किया और उन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया। आज मेरी वीडियोज़ पे इतनी मेहनत मैंने करी, मैंने कहा मेरी लाइफ में, मैं एक कार मैकेनिक था, कार मैकेनिक से फैमिली आज मैंने अपनी लाइफ बनाई, मैंने सब चीज़ें करी अपने साथ, बहुत लोगों की लाइफ बनाने की कोशिश करी, मगर ठीक है जो हुआ मेरे साथ, एहसास होगा समय आने पे कि हाँ गलत तो किया है और ऐसा नहीं करना था। पर फैमिली मुझे खुशी, सच कह रहा हूँ, मतलब बहुत खुशी है कि मेरी बेटी ने ना मेरा बहुत साथ दिया, मेरी बेटी ने मेरा बहुत साथ दिया और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया मेरी बेटी को, सच कह रहा हूँ फैमिली, बहुत दिल खुश होता है। मतलब ऐसा लगता है फैमिली, मैंने जो मेहनत करी ना अपनी ज़िंदगी में, उसका फल मुझे मिला आप लोगों के रूप में, बहुत खुशी मिलती है फैमिली, मतलब सच में बहुत अच्छा लगता है। इतनी खुशी मतलब मेरे को ज़िंदगी में पहले नहीं मिली, बट जब मैंने जब देखा ना कि मेरे को आप लोग इतना प्यार करते हो, मेरे लिए कमेंट आए, इतना जानवी से पूछते थे सारे कि बेटा पापा कैसे हैं, बेटी मेरे को ना कमेंट पढ़वाती थी कि पापा देखो ये आज इन्होंने ये लिखा है। अच्छा बहुत लोग ऐसे भी थे जो गाली भी देते थे मेरी बेटी को, गलत भी बोलते थे, तमाशा भी दिखा रही है, मतलब बहुत कुछ बोलते थे, चिल्ला रही है। मेरी बेटी अभी जितना जानती है, जितना सीखी है, उतना जितना मैंने अभी उसको सिखाया, वो उस पर मेहनत कर रही थी, उसे कभी नहीं पता था कि पापा के साथ ऐसा हो जाएगा, या मुझे नहीं पता था मेरे साथ ऐसा हो जाएगा फैमिली। पर बस ये है कि फैमिली अब मैं काफ़ी ठीक हूँ और बोलने लायक हो चुका हूँ, और बहुत जल्दी आप लोगों के सामने मेरी वीडियोस भी आएंगी। बस ये है कि थोड़ा सा कुछ टांके वगैरह लगे हुए हैं अभी यहाँ अंदर भी, ये अंदर से सारा, बस ये काफ़ी हद तक ठीक हो गया फैमिली। और मैं अब अपनी बेटी के साथ भी वीडियो बनाया करूँगा अब, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैंने कमेंट पढ़े, मेरे को जानवी ने बताया कि सब लोग ये कहते हैं कि आप पापा बेटी मिलके वीडियो बनाना जैसे ही आपके पापा ठीक होंगे। पर फैमिली सच कह रहा हूँ, बहुत दिल खुश हुआ, आपने जो आशीर्वाद रखा, प्यार दिया, और सच में बहुत अच्छा लगा। बस फैमिली मेरे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, इन सब चीज़ों की मैं आपको बहुत जल्दी आपके साथ वीडियोज़ भी शेयर करूँगा, फ़ोटोज़ भी शेयर करूँगा। फैमिली जिस जगह पर मेरे साथ हादसा हुआ, मैं वो वीडियो भी आपके सामने शेयर करूँगा कि क्या हुआ था, एक्चुअल क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और कानून ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे को बहुत सपोर्ट मिली कानून की तरफ से भी, और कुछ लोग पकड़े भी गए मेरे साथ ऐसा करने वाले। फैमिली बस ये समझ लो कि आप सब लोगों का आशीर्वाद था, भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद था, बालाजी महाराज का आशीर्वाद था, मेरी बेटी, मेरी बीवी, मेरी ऑफिस की फैमिली, इन सब लोगों का सपोर्ट था मेरे साथ, तो मैं आप सब लोगों के सामने दोबारा आ पाया हूँ। नहीं तो फैमिली मेरे को, मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं शायद नहीं बच पाऊँगा, और बस ऐसा हुआ था मेरे साथ इतना बुरा। बस ये है कि फैमिली मेहनत कर रहा हूँ अब दोबारा से, अपना प्यार दीजिएगा, पूरी एनर्जी के साथ वीडियो फिर बनाऊँगा। मेरा मुँह सिर्फ इसलिए ही तोड़ा गया कि मैं वीडियो ना बनाऊँ, क्योंकि मेरा सारा काम, मेरा बिजनेस मेरी वीडियो से ही है और मेरे बोलने से ही है। और बस फैमिली
यही कहूँगा कि फैमिली अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना, जिंदा रखने वाला भगवान है और बस यही है। इंसान तो ठीक है कोई भी, बस फैमिली दिल सिर्फ इसी दुखता है कि फैमिली इतना बुरा खैर कोई किसी के साथ नहीं करता, इतना बुरा नहीं होना चाहिए इंसान को कि आप इतनी नफरत अपने अंदर रखो कि आप इंसान को जान से मारने के लिए तैयार हो जाओ, और इतना नफरत नहीं मेरे ख्याल से होनी चाहिए कि थोड़ा बहुत इंसान में होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, सोचना चाहिए कि इसका आगे क्या होने वाला है, किसी का परिवार है, मेरी बेटी है, मेरा एक छोटा बेटा है, मेरी वाइफ है, ये सब लोग मेरी छोटी फैमिली है, सोचना चाहिए अगर मेरे साथ कुछ हो जाता, मैं नहीं बच पाता दुनिया में तो क्या होता, मेरे बच्चों को कौन देखता, मेरी बेटी को, मेरे बेटे को, मेरी वाइफ को, मेरे परिवार को कौन देखता, मेरी मदर हैं, मेरे फादर तो खैर नहीं है, सब जानते हैं इस चीज़ को, पर आप सब इनको जिन्होंने ऐसा किया उनको एक चीज़ सोचनी चाहिए थी कि उन्होंने ऐसा किया मेरे साथ, ये बर्ताव किया, इतना बुरा व्यवहार किया। मैं आप सब लोगों के साथ वीडियोस भी फैमिली शेयर करूँगा ताकि आप सबको सारी चीज़ सच पता लग पाए, जल्दी शेयर करूँगा। बस फैमिली फ़िलहाल बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ फैमिली, बहुत खुश हूँ, और बस और एक ये जल्दी से हट जाए, एक आध दिन में ये हट जाए और आप सबके साथ मैं वीडियो बना पाऊँ, आप मुझे प्यार देना, जब तक फैमिली मेरी बेटी वीडियोस बनाती है उसको प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना। बहुत लोगों ने, पता है फैमिली, बहुत लोगों ने आशीर्वाद दिया, मतलब मैं सोच नहीं सकता था, मतलब एक एक हज़ार, दो दो हज़ार कमेंट, मतलब फैमिली और सब आशीर्वाद दे रहे हैं बेटी को, मतलब मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे फैमिली कि आप इतना, मतलब सच में फैमिली, बस मैं दोबारा अगर आप सब लोगों के सामने वापस आ पाया हूँ ना, सिर्फ एक ही वजह कि आप सब लोगों का प्यार आशीर्वाद, मेरी बेटी की हिम्मत, मेरे परिवार की हिम्मत और मेरे ऑफिस के मेरे जो मेरे साथी हैं उन लोगों की हिम्मत थी कि उन लोगों ने मुझे फिर से खड़ा कर दिया और मुझे फिर से इतनी हिम्मत दी कि सर सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ मत, हम बैठे हैं आपके साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा, भगवान ने आपको फिर से मौका दिया, फिर से मेहनत करो, सब चीज़ें दोबारा से हो जाएंगी। तो फैमिली बस यही है कि बस यही कहूँगा फैमिली, अपना प्यार आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना है चाहिए, ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद फैमिली बनाए रखना, और मैं फिर से मेहनत करूँगा, फिर से वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँगा जल्दी से, और अब और अच्छे से मेहनत करूँगा और अपने परिवार के साथ फिर से खुश रहने की कोशिश करूँगा। जानवी, ये मेरी बेटी सच में, मतलब ना जो लोग ये कहते हैं ना कि बेटी होना गलत है, वो मेरी बेटी को देख लो फैमिली, उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करना जो लोग बेटियों को गलत मानते हैं ना, बेटियों को कहते हैं कि नहीं फैमिली, ये मेरी बेटी मेरा गर्व है, मेरा प्राउड है, मेरे सिर का ताज है, मेरा अभिमान है, सच कह रहा हूँ। अगर लोगों को पैसों के ऊपर घमंड होता है, लोगों को अपनी ताकत के ऊपर घमंड होता है, मगर मुझे अगर आप कहोगे ना कि आपको प्राउड है या घमंड है किस चीज़ पे, मेरे को मेरी बेटी पे प्यार है, मेरी बेटी पे गर्व है, मेरी बेटी पे घमंड है मुझे, कि मेरी सच में मतलब ना बहुत प्यार दिया मेरी बेटी ने, मेरी बेटी ने मेरा बहुत साथ दिया, और इतनी गर्मी के अंदर वीडियो बनाना ना बहुत बड़ी बात होती है। पता है मेरी बेटी को लोग मजाक बनाते थे, स्कूल चली जा पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले, वो मतलब ये नहीं समझते कि बेटी पढ़ भी रही है और वो मेरा काम भी संभाल रही है, अपने पापा का साथ दे रही है। पर आप में से बहुत लोगों ने उन सबको एहसास कराया कमेंट करके, उनको रिप्लाई तक दिए कि भाई वो वीडियो इसलिए बनाती है, ये सब चीज़ें कर रही है, आपको हौसला बढ़ाना चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत बहुत दिल को, भाई फैमिली आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बेटी को इतना प्यार देने के लिए, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, और फैमिली अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा और मेरी इस वीडियोस को शेयर करना ताकि उन सब तक ये वीडियोस पहुंच पाएँ जिन लोगों को ये नहीं पता कि मेरी बेटी वीडियो क्यों बनाती थी और क्या कारण था। बहुत लोग के मन में गलत फहमियाँ थी, वो लोग बहुत उल्टा सीधा बोलते थे फैमिली, पर दिल खुश हुआ बहुत, और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोग ने इतना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और मेरी वीडियोस का वेट किया, मेरे गाने के लिए कमेंट करें, मेरे लिए प्रार्थनाएं करें। फैमिली मैं बहुत मेहनत करूँगा और भगवान का आशीर्वाद, आप सबका प्यार मुझ पर ऐसे ही बनाए रखना। तो फैमिली आप सभी को, अभी तो मैं ज़ोर से नहीं बोल सकता हूँ कि मैं चिल्ला के बोलूँ, पर मेरी कमी मेरी बेटी पूरी करेगी, ठीक है फैमिली। तो मेरी बेटी एक जयकारा लगाएगी और आप सब लोग
जयकारा लगाना साथ में और लिखना बोल शंकर भगवान की जय, और शेयर जरूर करना ताकि लोगों तक ये मैसेज जाए कि एक बेटी अपने पापा के लिए बहुत कुछ कर सकती है। बेटियों के ऊपर भरोसा कीजिए, बेटियों का साथ दीजिए। बेटे अच्छे हैं, बेटे ठीक हैं, पर बेटियों पर भी भरोसा दिखाइए। बेटियों को जो आप संस्कार देते हैं, वो संस्कार जो परवरिश करते हैं, अगर हम बेटों के साथ साथ बेटियों को भी उस तरीके से उन पर भरोसा करें ना, तो बेटियां आपके भरोसे पे खरा उतर सकती हैं, खरी उतर सकती हैं, जो मेरी बेटी मेरे भरोसे पे उतरी भी। और सच में मतलब मुझे भगवान ने, मेरी सबसे बड़ी दौलत मुझे मेरी बेटी दी, मेरी फैमिली दी, मेरे ऑफिस में मेरे साथी दिए, और ये बहुत है मेरे लिए, और आप सब लोगों का प्यार दिया दौलत में। तो फैमिली, आप सभी को दिल से प्यार भरा नींव नमस्कार। बोल बोल शंकर भगवान की जय। बस फैमिली, ऐसे प्यार आशीर्वाद बनाए रखना मुझ पर, मेरी बेटी के ऊपर भी, और मैं आपके लिए बहुत जल्दी जल्दी बढ़िया बढ़िया वीडियोस लेकर आऊँगा, और आपके लिए बहुत मेहनत करूँगा दोबारा से, और बाकी भगवान है साथ देने वाला। नींव